नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक जो मेन प्रॉब्लम होता है जब हम एम्पलीफायर यूज करते हैं, कई बार लोगों के साथ हो सकता है। वो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि वो प्रॉब्लम होता है जबकि हम कोई एम्पलीफायर जब हम यूज़ करते हैं, उसका जो मेन पावर प्लग होता है, जब स्टेबलाइजर के अंदर या किसी भी जो अदर बोर्ड होता है उसके अंदर यूज़ करते हैं, तो उनका जो पावर प्लग होता है वो काफ़ी बार जल जाता है, या वो जल होके वहीं पे इकट्ठा होके वहीं पे ख़राब होने हो जाता है। और या जो स्टेबलाइजर होता है, बोर्ड जो होता है लाइट का बोर्ड, उसके अंदर जब हम प्लग करते हैं या तो वो जल जाता है, या जो हमारा एम्पलीफायर का सॉकेट पावर प्लग होता है या वो ख़राब हो जाता है। मेनली ये कभी कभी कोई जो एम्पलीफायर होते हैं, जैसे कि जो हेवी वोल्टेज के एम्पलीफायर होते हैं, उनके साथ में दिक्कत आती है। जो छोटे जो एम्पलीफायर होते हैं उनके साथ में नहीं आती है। कुल मिला के कई एम्पलीफायर के साथ तो हमारे साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि उनके पावर जो सॉकेट होते हैं, पावर प्लग होते हैं, वो जलते नहीं हैं और कई के जल जाते हैं। तो उनके क्या मेन कारण हैं और क्या उपाय है, उसी के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो सॉकेट है वो क्यों जलते हैं और कई बार लोगों के साथ में क्या समस्या होती है, बार बार चेंज करने के बाद में भी वो सॉकेट जलते क्यों है। तो इसी के बारे में बात करेंगे एक टॉपिक के साथ में, एक नॉलेज के साथ में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरा डिटेल वगैरह अच्छे से मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हो कि हमारे पास जो स्टेबलाइजर है, इसके जो ये पावर सॉकेट है, ये कितने जल चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाला भी जल चुका है, ये जल चुका है, ये जल चुका है। आप देख सकते हो ये क्या दोस्तों, फिर भी हैवी वाले ये जो पावर प्लग है ये है, ये वीक वाले नहीं है, जैसे कि छोटे वाले नहीं है, हैवी वाले हैं, ये जल गए। क्यों दोस्तों, इसमें क्या है कि ये 16 एम्पीयर के हैं, 240 वाट 16 एम्पीयर के हैं। और जो पावर प्लग होता है ये हमारे पास है, जैसे कि MT 16 0 का, ये भी जल गया था, मैंने दूसरा चेंज किया ये जस्ट अभी, ये टूट गया है, जला नहीं है, टूट गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि जो हमारा एक 5 एम्पीयर का जो सॉकेट होता है, 5 एम्पीयर का जो सॉकेट होता है वो 1 किलोवाट तक का लोड लेता है। आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर, वहाँ पर बेकायदा गूगल पर सर्च किया हुआ टॉपिक है, वहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम 16 एम्पीयर का सॉकेट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर 16 एम्पीयर का सॉकेट यूज़ कर रहे हैं 240 वोल्टेज के अंदर, तो आप देख सकते हो 5 × 3 = 15, यानी कि 15 एम्पीयर तक का जो सॉकेट है वो 3 किलोवाट का लोड, और थोड़ा सा ऊपर मान सकते हो आप 3 से 3.5 किलोवाट तक का लोड ही झेल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ऊपर स्क्रीनशॉट। और अगर हमारा जो एम्पलीफायर होता है, जैसे कि 16 0 को गया, अदर जो काफ़ी X7 या और भी एम्पलीफायर जो होते हैं, जो जिसका पावर कंज्यूमेशन 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 7 किलोवाट तक का होता है, उनके जो ये सॉकेट आते हैं वो वीक होते हैं। अगर 16 एम्पीयर का सॉकेट होगा और एम्पलीफायर होगा हमारे पास 6 किलोवाट का या 5 किलोवाट का हेवी वाटेज का होगा, तो उसमें ये 16 एम्पीयर के जो सॉकेट होते हैं वो नहीं चल पाएंगे दोस्तों, एक प्रॉपर सही कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, अगर दोस्तों हम 240 वोल्टेज के साथ में अगर सॉकेट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो 5 एम्पीयर पे 1 किलोवाट बैठता है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर 230 वोल्टेज पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो 4 एम्पीयर पे 1 किलोवाट पावर कंज्यूमेशन करेगा। 230 और 220 के अगर 220 के अंदर अगर हम यूज़ कर रहे हैं वोल्टेज, 220 वोल्टेज के अंदर अगर हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों अगर अपना सॉकेट, तो उसमें क्या है कि वो हमारा 3 से 3.5 एम्पीयर के अंदर 1 किलोवाट भेटता है। फिर भी आप बहुत सारे ये यूट्यूब पर वीडियो आपको मिल जाएंगे, फिर भी अकॉर्डिंग दोस्तों अगर हम 240 वोल्टेज के अंदर अगर हम हमारे एम्पलीफायर्स के अगर 240 वोल्टेज के अंदर हम हमारे एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हैं, तो 16 एम्पीयर का जो सॉकेट होता है वो हमारे लिए इनफ नहीं होता है दोस्तों। कम से कम हमारे पास 24-25 एम्पीयर तक का सॉकेट होना चाहिए और पावर प्लग होना चाहिए, तब हमारा जो पावर प्लग होगा वो नहीं जलेगा। और ये एक प्रॉपर कैलकुलेशन ये होता है, आप गूगल पे सर्च किया हुआ टॉपिक भी देख सकते हो दोस्तों, इसमें ये है टॉपिक। मेन बात मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे कि अगर हमारा जो 3 से 4 किलोवाट तक का जो एम्पलीफायर होता है उसके लिए इनफ होते हैं ये वाले जो सॉकेट होते हैं 16 एम्पीयर 240 वाट वाले। अगर हम 5 किलोवाट, 6 किलोवाट ऊपर के जो हेवी वोल्टेज के एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें क्या है कि जो हेवी वोल्टेज के यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, 24 एम्पीयर के आसपास का हमारा पावर प्लग होना चाहिए या सॉकेट होना चाहिए। और मेन कारण यही होता है दोस्तों, आप और भी जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसमें क्या है कि दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग कंपनियों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हेवी वोल्टेज का अगर एम्पलीफायर है,
6 किलोवाट, 7 किलोवाट, 8 किलोवाट के आसपास अगर पावर कंज्यूमेशन करता है तो उसके अंदर 16 एम्पीयर के सॉकेट से पार नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत हेवी वोल्टेज का सॉकेट, पावर सॉकेट होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो आप इसके अंदर ये एक मीटर हो सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप भी ऐसी बातों पे ध्यान रखिए और बढ़िया रिसर्च करके अपने डीजे के अंदर काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।